हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आज फिर आप लोग के साथ हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जो है कि मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक, ओसाजोन पहले देख लेते हैं क्या होता है। ओसाजोन आर अ क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स होते हैं फाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्म्ड व्हेन रिड्यूसिंग शुगर्स। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, देखो जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप, ठीक ना, मतलब वो शुगर्स जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर सके उनको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स बोल देते हैं। ठीक ना, वो शुगर जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सके उनको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। और रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, वो कार्बोनिल ग्रुप चाहे तो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है या तो कीटोनिल ग्रुप हो सकता है। जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका डी ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज में होता है, और कीटोनिक ग्रुप आपका फ्रक्टोज में होता है। ठीक ना, तो ये सब रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं और ये सब ओसाजोन फॉर्मेशन दे सकते हैं। आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। आप लोग फिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट ले लेना एक्सेस में, और उसके साथ रिड्यूसिंग शुगर्स को यानी ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को जब आप लोग रिएक्शन कराओगे बॉइलिंग टेम्परेचर्स पर, तो आपका ओसाजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये ओसाजोन का फॉर्मेशन एमिल फिशर ने दिया था। ठीक ना, इट वॉज डेवलप्ड बाई एमिल फिशर इनिशियली, और उसके बाद एक और मैकेनिज्म आया था विगांड का। तो रिएक्शन पहले देख लेते हैं, रिएक्शन क्या कर रहा है। तो हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आप लोग देख रहे हो, पहचान में भी आ रहा होगा, ये मॉलिक्यूल किसका है, बोलो, डी ग्लूकोज का है। किसका है, डी ग्लूकोज। ठीक, जब आपने डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन है, क्या ये फिनाइल हाइड्राजीन है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ आपने रिएक्शन कराया, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, ओसाजोन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, ओसाजोन है। ठीक, तो हमारे पास ओसाजोन मिल गया। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज में है एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये नंबर वन कार्बन हो गया और ये नंबर टू कार्बन हो गया। तो वन वाले कार्बन पे एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे वाले कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, और यही दोनों कार्बन हमारे लिए मेन है, बाकी का जो कार्बन चेन है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो प्रोडक्ट में भी आप लोग को दिख रहा होगा, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। जो भी चेंजेस आए हुए हैं वो कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू पे आए हुए हैं। ठीक, ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा देखो, कार्बन नंबर वन पे क्या हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप हट करके यहाँ पे हाइड्राजिन का एक मॉलिक्यूल आके ऐड हो गया है, यहाँ पे कार्बन टू पे भी एक एडिशन हुआ है, ठीक ना, हाइड्राजिन का। तो इसका ओसाजोन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पेयर ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन्स का एडअप हुआ है। ठीक ना, ये क्या है, पेयर ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, पेयर ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन। अच्छा देखो, यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजिन लिखा है और यहाँ पे मैंने हाइड्राजोन लिखा है, तो यहाँ पे दो फॉर्म हुए। ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन भी आप लोग बोल सकते हो, या फिर फिनाइल हाइड्राजोन आप लोग बोलो, ओसाजोन। ठीक, अच्छा इस केस में अगर आप लोग ग्लूकोज लेते हो तो इस ओसाजोन का नाम हो जाएगा ग्लूकोसाजोन, क्या हो जाएगा, ग्लूकोसाजोन। अगर आप लोग यहाँ पे फ्रक्टोज लेते तो इसका नाम हो जाता फ्रक्टोसाजोन, सही है। अब ये तो हुआ रिएक्शन, ये कैसा हुआ था। अच्छा, इसमें बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, अगर आप लोग तीन मॉलिक्यूल से यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजिन लियो यानी एक्सेस में लियो फिनाइल हाइड्राजिन को, तो यहाँ पे आपको एनिलीन मिलता है। ठीक ना, एज अ बाय प्रोडक्ट, एनिलीन का स्ट्रक्चर तो आप लोग को पता होगा, ये है एनिलीन का स्ट्रक्चर NH2। ठीक, और यहाँ पे आप लोग को अमोनिया भी निकलता है NH3, और वाटर मॉलिक्यूल्स तो निकलते ही हैं। ठीक, इसमें इस ओसाजोन फॉर्मेशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कंडेंसेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक ना, और दूसरा होता है यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब जो हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट रहता है OH CHOH, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल देंगे। ठीक ना, तो यानी ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर हमको कंडेंसेशन से भी ट्रीट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन से भी ट्रीट करना पड़ेगा। देखो अब इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि आखिर ये मैकेनिज्म है कैसे। इसका मैकेनिज्म पहले एमिल फिशर ने दिया था, लेकिन उसके एक स्टेप में थोड़ा सा लोगों को नहीं सही लगा, एक दिक्कत नज़र आया,
तो उसकी वजह से इनका मैकेनिज़म जो है कि डिस्कार्ड कर दिया गया, और बाद में वेगन एक नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैकेनिज़म्स दिए, फिर उस मैकेनिज़म को नेम दिया गया एमाडोरी रीअरेंजमेंट, बाद में वही चला, ठीक ना। तो हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। पहला मैकेनिज़म हम लोग देखेंगे जो एमिल फिशर ने दिया था, ठीक ना, मैकेनिज़म बाय एमिल फिशर। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था हमारे पास मान लो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे सेकंड वाला कार्बन था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ऐसे लगा, ठीक, यहाँ तक सही है। अब बाद में देखो ऐसे में कार्बन चेन को उसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे था H, यहाँ पे HO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2OH। अच्छा आप लोग को पता है मैंने बोला था कि ये वाला जो ग्रुप था ये सेम टू सेम कन्वर्ट हो गया था प्रोडक्ट वाले में, मतलब ओसाजोन में, मतलब ये वाला ग्रुप चेंज नहीं हुआ था, ये सेम टू सेम इनिशियल जैसा सब्सट्रेट में था वैसा ही हमारे प्रोडक्ट में भी मिल रहा था। तो इसको हम लोग पूरे को अगर एक आर ग्रुप मान लें, अल्काइल ग्रुप, ठीक ना, इस पूरे को हम एक आर ग्रुप मान लें, अल्काइल नहीं मतलब आर से डिनोट कर दे रहे हैं हम, तो ये आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी था, ठीक है। तो मैं इसको कलेक्टिवली मतलब लेंदी ना करके इसको कलेक्टिवली मैं आर से डिनोट करूँगा, ठीक। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँ, कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ, ये देखो इसको मैं कैपिटल आर से लिख दे रहा हूँ, सही है। कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, वही जो यहाँ पे कार्बन चेन लगा हुआ था वो था, सही है। अच्छा ये हमारे पास देखो कार्बन नंबर 1 हो गया, ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 हो गया, ये है क्या हमारे पास डी ग्लूकोज है, क्या है ये हमारे पास डी ग्लूकोज, सही है। अब इस डी ग्लूकोज का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, पहला मॉलिक्यूल ले लेते हैं फिनाइल हाइड्रोजन का, ये रहा हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन NH और H2N, ठीक ना, यही हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन, लिख दे रहे हैं देखो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। अब जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा एक कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ मैं, और एरो के नीचे लिख दे रहा हूँ माइनस H2O, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे, कंडेंसेशन स्टेप है ये, कंडेंसेशन हो गया यहाँ पे। अच्छा देखो इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में जाता है, पहले स्टेप में कंडेंसेशन होगा, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, और तीसरे स्टेप में वापस से कंडेंसेशन हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, कंडेंसेशन स्टेप है, यहाँ पे देखो हमने कंडेंसेशन करा दिया है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन एच, और ये हमारा पास फिनाइल ग्रुप, ठीक ना, देखो फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन थाई, यहाँ पे जगह कार्बन ओ एच, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये नीचे आर ग्रुप लगा हुआ था, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक ना, यहाँ पे हाइड्राजीन लिखे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्राजोन, ठीक, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन हो गया ये। अच्छा अभी देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे क्या हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है, कार्बन नंबर 1 पे हमने क्या करा दिया है, कंडेंसेशन करा दिया है, ठीक। अब अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, अब अगर हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया इसी फिनाइल हाइड्राजीन का, ठीक ना, ये हमने ले लिया फिनाइल हाइड्राजीन, ये हमारे पास आ गया फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो OH लगा हुआ है, मतलब कार्बन नंबर 2 जो है हमारे पास, ये वाला OH ग्रुप हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप में, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप में, कैसे होगा देखो, यहाँ पे NH2 के पास क्या था, एक लोन पेयर था, तो वो इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, देखो कुछ इस तरीके से अटैक करेगा, ये वाला ऐसे आया और इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे अटैक कर दिया, तो ये H प्लस को यहाँ से निकालेगा, H प्लस को निकालने का मतलब ये वाला बॉन्ड देखो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला बॉन्ड जब ऐसे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कार्बन की पेंटावैलेंसी होने लगी, कार्बन की पेंटावैलेंसी हो नहीं सकती, इसलिए क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से रिमूव होगा, ठीक, ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो
यहाँ पे जब इसने ऐसे अटैक किया, हाइड्रोजन को निकाला, मतलब यहाँ से देखो पहले तो अमोनिया निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये NH2 ग्रुप हो गया और एक इसने एक हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या होगा NH3 माइनस NH3, मतलब अमोनिया यहाँ से निकल गया। अब ये जो बचा है NH और ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला हिस्सा, ये इस वाले हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा और क्या बनाएगा, एनिलीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एनिलीन, मतलब यहाँ से NH2 ग्रुप भी निकल गया, एनिलीन भी निकल गया। ये क्या है? एनिलीन है और ये क्या है? अमोनिया है। ठीक, मतलब रिमूवल ऑफ अमोनिया और रिमूवल ऑफ एनिलीन इसी सेकेंड स्टेप में हो गया हमारे पास। और ये क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेप था, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप में। मैं आपको दिखा रहा हूँ कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे कैसे बनेगा। ये देखो कार्बन नंबर वन यहाँ पे है ये, ठीक ना, इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे NH, ये रहा फिनाइल ग्रुप। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे यहाँ पे ब्रेक होकर आ गया है। ठीक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये R, यानी ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था किसमें कन्वर्ट होगा? कीटोनिक ग्रुप में। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ग्लूकोसोन। ग्लूकोसोन क्यों लिखेंगे? ओन क्यों आया? क्योंकि कीटोन की वजह से आया, ये कीटोनिक ग्रुप है ना, इसलिए यहाँ पे ओन आ गया। यहाँ पे देखो ग्लूकोज खाली लिखा था मैंने, तो ग्लूकोजोन फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। आया बात समझ में? तस ठीक है। अच्छा, ये कार्बन नंबर वन था, ये कार्बन नंबर टू। देखो यहीं वन और टू कार्बन पे ही सारा खेल हो रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक बार और क्या कराएंगे? कंडेंसेशन करा देंगे। कंडेंसेशन कराएंगे मतलब, अच्छा यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हुआ था ना, यहाँ पे ये कौन सा स्टेप है? ऑक्सीडेशन स्टेप है। यहाँ पे पहले स्टेप में कंडेंसेशन, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन, तीसरे स्टेप में वापस से मैं कंडेंसेशन कराने जा रहा हूँ। कैसे? ये देखो पहला मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन आपने यहाँ पे लिया, ये कौन सा था? फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन था। ये क्या था? सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन था। अब यहाँ पे मैं थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक ना। ये थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन है NH, और ये हो जाएगा NH2। बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है यार। ठीक, ये NH2 आ गया। अब यहाँ पे वापस से ये देखो H2 ये रहा, और इसने किसको कैप्चर किया? इस वाले ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया, ठीक ना, कार्बोनिल वाले में से। यानी यहाँ पे माइनस H2O, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कंडेंसेशन यहाँ पे हो गया। क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया। अब कंडेंसेशन हो गया तो देखो होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? कार्बन नंबर वन तो एज इट इज मैं लिख दे रहा हूँ NH, यहाँ पे हो जाएगा फिनाइल ग्रुप, तो और ये रहा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो N के साथ हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, और ये फिनाइल ग्रुप, सही है। और यहाँ पे R ग्रुप था, नीचे R ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्लूकोसाजोन। क्या हो जाएगा? ग्लूकोसाजोन, इससे लिख दे रहा हूँ मैं रेड पेन से, ग्लूकोसाजोन। यानी ये हमारे पास क्या हो गया? ओसाजोन का फॉर्मेशन हो गया। देखो ओसाजोन है ना इसमें, ग्लूकोसाजोन में ओसाजोन। देखो ये एमिल फिशर का था, किसका था? एमिल फिशर। एमिल फिशर ने ये मैकेनिज्म दिया था, ठीक। तो उन्होंने उनके मॉडल में गलती कहाँ हुई, या कह लो कि लोगों को कहाँ नहीं समझ में आया, वो ये था ऑक्सीडेशन स्टेप। उनका जो ये ऑक्सीडेशन स्टेप था जहाँ पे अमोनिया और एनिलीन निकल रहे थे, उसमें जो सेकंड मॉलिक्यूल हम लोग यूज़ कर रहे थे, अच्छा ये थर्ड मॉलिक्यूल है आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। फर्स्ट मॉलिक्यूल ये रहा, सेकंड मॉलिक्यूल ये रहा, थर्ड मॉलिक्यूल ये है, थर्ड मॉलिक्यूल ये रहा फिनाइल हाइड्राजिन का। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेप है इस पे साइंटिस्टों ने थोड़ा कह लो कि नाराज़गी ज़ाहिर की, या फिर कह लो कि ये स्टेप उनको नहीं समझ में आया। तो उन्होंने दूसरा एक मैकेनिज़म दिया, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था वेगैंड, ठीक ना। उन्होंने मैकेनिज्म ए और मैकेनिज्म बी, दो मैकेनिज़म्स दिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक, जो कि बाद में एमेडोरी रीअरेंजमेंट के नाम से भी जाना जा रहा है। तो हम लोग अब एमेडोरी रीअरेंजमेंट वाले मैकेनिज्म पे चलते हैं, ठीक। ये तो पहला मैकेनिज्म हो गया ग्लूकाजोन, ग्लूकोसाजोन का बनाने का। अब चलते हैं दूसरे मैकेनिज्म पे, ठीक। अब चलते हैं दूसरे मैकेनिज्म पे। अच्छा देखो दूसरे मैकेनिज्म पे चलने से पहले, जो अभी हमने ग्लूकोसाजोन बनाया था उसका स्ट्रक्चर मैं एक बार और ड्रॉ कर दे रहा हूँ आप लोग के सामने। ये सी डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड
या ऐसे ड्रॉ करूँ मैं इसको, यहाँ पे एच था, यहाँ पे एन एच, ये था ऐसा कुछ, ठीक ना, ये ऐसे था सी, और यहाँ पे आर लगा हुआ था। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या इसको, मैं थोड़ा रिंग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ, तो रिंग वाले स्ट्रक्चर में तो ऐसे बना दूंगा इसको मैं, ठीक ना, ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं आप लोग को समझा पाऊँ। तो ये मान लो कार्बन, ये मान लो अल्काइल ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ जाएगा N, और ये रहा हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप, ऐसे लगा हुआ था, याद है स्ट्रक्चर यहाँ पे जो मैंने ग्लूकोजा जोन का बनाया था, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ठीक। हाँ ये देखो सही हुआ। अब जो है ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये क्या था, ग्लूकोजा जोन ही था, ग्लूकोजा जोन। देखो यहाँ पे पेयर ऑफ हाइड्राजोन फंक्शनैलिटीज लगे हुए हैं, ठीक। तो ये ऐसे एक स्टेबिलिटी भी अपने आप को प्रोवाइड करा लेता है। अब देखते हैं, ये तो एमिल फिशर का हो गया, ठीक ना, अब चलते हैं एमेडोरी रीअरेंजमेंट के ऊपर। एमेडोरी रीअरेंजमेंट क्या था, वापस से हम लोग ले लेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक ना, डी ग्लूकोज ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा सी ओ एच, यहाँ पे एच, और ये वापस से आर अपना, ठीक ना, ये हमारे पास क्या है, डी ग्लूकोज है हमारे पास, क्या है, डी ग्लूकोज। अब इस डी ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग पहले कराते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जब आप लोग रिएक्शन कराएंगे तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा, कंडेंसेशन वाला ही रहेगा, मतलब जैसा हम लोग पहले देखे थे वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा NH2 ग्रुप, ठीक, ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन है। अब देखो वो क्या रहा है, ये देखो यहाँ पे माइनस एस टू हो जाएगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, माइनस एस टू हो, सही है, यानी ये कौन सा स्टेप हुआ, कंडेंसेशन स्टेप हुआ, कंडेंसेशन स्टेप, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन होने के बाद क्या बनाएगा, ये देखो आप लोग, ये तो हाइड्रोजन वैसे के था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा हमारे पास फिनाइल ग्रुप ऐसे लगा के, ठीक, सी ओ एच, ये रहा एच, और ये रहा आर, ठीक ना, ये बना। अब इसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, ठीक ना, लेकिन अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले वाले स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा इधर, ठीक, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा, ठीक ना, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन OH, ठीक, ये R। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आया, और ये हाइड्रोजन जो है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाला तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलके ऐसे बना लेंगे NH, ठीक ना, मतलब अगर मैं इसको रेड पेन से या ब्लैक पेन से दिखाऊँ तो ये जो हाइड्रोजन था ब्लैक हाइड्रोजन, वो ब्लैक हाइड्रोजन कहाँ चला गया, अब यहाँ पे चला गया है, ठीक, और यहाँ पे मैंने ऐसे बॉन्ड बना दिया NH, और ये रहा फिनाइल ग्रुप, सही है, इतना तक समझ में आया। अब देखो ये यहाँ पे एक इनॉल ग्रुप आप लोग को दिख रहा होगा, इनॉल ग्रुप दिख रहा है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी इन एल्कीन वाला इन, और यहाँ पे देखो एल्कोहल वाला ऑल, इन ऑल ग्रुप यहाँ पे हमको एक दिख रहा है। अब ये इन ऑल हमारा टोटोमेराइज हो जाएगा, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म आप लोग जानते होंगे। अच्छा देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अगले स्टेप में, ये स्टेप ऐसे, ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा आप लोग देखना, ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की पेंटावेलेंसी होने लगी तो उसको अवॉइड करने के लिए वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की टेट्रावेलेंसी, हाँ टेट्रावेलेंसी होने लगी, नाइट्रोजन तीन ही वैलेंसी में एग्जिस्ट करेगा तो पाँच में एग्जिस्ट करेगा, चार में नहीं, तो यहाँ पे उसको अवॉइड करने के लिए ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऐसे में टूट जाएगा, ठीक, यानी यहाँ से क्या निकला, एनिलीन मॉलिक्यूल निकला, एनिलीन होने के लिए यहाँ पे NH2 होना चाहिए, दो हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ध्यान से देखो
ये जो हाइड्रोजन है, ये H वाला हाइड्रोजन जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, वो इस वाले नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। कैसे जाएगा देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ये हो जाएगा NH, ठीक। और ये हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक। अब ये देखो, ये एक कीटो फॉर्म का है, ठीक ना, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, कीटो, और ये इन ऑल, ठीक ना। तो यहाँ पे कीटो इन ऑल टॉटोमेरिज्म आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या हुआ, NH और ये बेंजीन रिंग, ठीक ना, मतलब फिनाइल ग्रुप और ये NH, और ये वाला हाइड्रोजन को ये देखो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो उसके ऊपर क्या आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव था क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऐसा शिफ्ट हुआ था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे बना लेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे हो जाएगा NH2। क्यों टू हुआ, एक तो हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन ये रेड वाला, ठीक ना। और यहाँ माइनस का साइन, माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ये यहाँ पे रिमूव हो गया है, इस वाले स्टेप में क्या हुआ है, ये एनिलीन मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है, एनिलीन मॉलिक्यूल क्या हुआ है, रिमूव हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, एनिलीन तो रिमूव हुआ ही हुआ, अरे यार कीड़ा कहाँ से आ गया, हटो, ठीक ना, एनिलीन मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और साथ ही साथ ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ है देखो ध्यान से, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझ में आना चाहिए, एमरडोरी रीअरेंजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। पहला तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉटोमेरिज्म हो रहा है, यहाँ पे पहला टॉटोमेरिज्म हो रहा है। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ है, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पे, आया बात समझ में। पहला मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे हमने लिया था फिनाइल हाइड्राजिन का पहला मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने लिया था, ठीक ना, ये पहला मॉलिक्यूल है। अभी तक हमने दूसरा मॉलिक्यूल यूज़ नहीं किया, अब करेंगे। अब यहाँ पे हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया फिनाइल हाइड्राजिन का, हमारे पास ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजिन NH और ये रहा मान लो NH2, ठीक ना। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है H2 वाला, वो इस ऑक्सीजन को पकड़ा, ठीक ना, और माइनस H2O करा दिया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। अब देखो, पहला स्टेप कंडेंसेशन, दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन, तीसरा स्टेप वापस कंडेंसेशन। पिछले वाले में क्या हुआ था कि पहले वाला कंडेंसेशन में एक फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ था, फिर दूसरे वाले ऑक्सीडेशन स्टेप में भी एक फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ था पिछले वाले में, पिछला वाला जो मैंने मैकेनिज्म बताया था। लेकिन यहाँ पे इस वाले मैकेनिज्म में जो सेकंड थर्ड स्टेप है कंडेंसेशन, उसमें सेकंड मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है फिनाइल हाइड्राजिन का। ये क्या है, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन। यहाँ पे कंडेंसेशन करा दिया हमने, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और ये फिनाइल ग्रुप ऐसे लग जाएगा, सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी था, ठीक, R ग्रुप, ये बॉन्ड ये बना कंपाउंड। अच्छा, ये बेटा एक इमिनो कीटोन है, आप लोग को पता होना चाहिए नाम से, ठीक ना, इमिनो कीटोन क्यों है भाई, देखो इमिनो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, इमिनो कीटोन ग्रुप है ये। अब देखो, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आने के बाद एक और मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे, किसका, फिनाइल हाइड्राजिन का लेंगे। यहाँ पे हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया फिनाइल हाइड्राजिन। देखो, हमने एलिनिल मॉलिक्यूल तो निकाल दिया है, लेकिन अभी तक अमोनिया मॉलिक्यूल नहीं निकला है, ठीक ना, जैसे कि पुराने वाले मैकेनिज्म में निकला था। तो यहाँ पे अमोनिया का अब रिमूवल हम लोग कराने जा रहे हैं, ठीक ना, रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो हमने एक फिनाइल हाइड्राजिन मॉलिक्यूल फिर से ले लिया, ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजिन मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ठीक ना, तीन ही मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, तीसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब देखो, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेगा, ये इस वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा, किस वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पास, ये ऐसे गया और इस वाले हाइड्रोजन को ऐसे निकाल लेगा, ठीक ना, मान लो निकाल लिया इसने ऐसे। अब इसने इस वाले हाइड्रोजन को निकाला, यानी NH2 ग्रुप क्या हुआ, रिमूव हो गया, सॉरी NH3 ग्रुप रिमूव हुआ, अमोनिया का क्या हुआ, रिमूवल हो गया, यहाँ से अमोनिया निकल गया, ठीक। अब जब अमोनिया निकला यहाँ से, तो ये जो ग्रुप बचा हुआ है, ये वाला ग्रुप, ठीक ना, ये वाला ग्रुप जाके यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा।
अब देखो ये ग्रुप इस वाले पे अटैच होगा, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड, ये फिनाइल ग्रुप आपका, ठीक है। और ये हाइड्रोजन तो पहले से ही लगा हुआ था। अब यहाँ पर बाकी नीचे वाला ग्रुप लगा दो, यहाँ पे आप लोग डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा फिनाइल ग्रुप, और नीचे R, ये बन गया आपका ग्लूकोसा जोन। क्या बन गया? ग्लूकोसा जोन, ग्लूकोसा जोन, या आप लोग इसको ओसा जोन भी बोलते हो, ठीक ना। यानी ऐसे हमने, ये था हमारे पास एमाडोरी रीअरेंजमेंट। क्या था ये? एमाडोरी रीअरेंजमेंट। ओसा जोन फॉर्मेशन को अब हम लोग ज़्यादातर एमाडोरी रीअरेंजमेंट से ही दिखाते हैं, और ये इस रिएक्शन को पूरी तरीके से फुलफिल करता है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, ठीक। यहाँ पे देखो हुआ क्या, पहले स्टेप में कंडेंसेशन हुआ, रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक ना। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे जो कंपाउंड बना उसको हम लोग टोटोमेराइज कर ले गए इनॉल और कीटो फॉर्म में, तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म हो गया, और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, इसलिए हम लोग उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन स्टेप, ठीक ना। और यहाँ पे रिमूवल ऑफ एनिलीन हुआ, जब सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन हमने यूज़ किया तो उसने फिर कंडेंसेशन कराया इस वाले मॉलिक्यूल का, और हमको मिल गया एक कंपाउंड। उस कंपाउंड को जब हमने थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से ट्रीट कराया तो अमोनिया का रिमूवल हुआ, और फाइनली हमको ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसा जोन, सॉरी ओसा जोन, ग्लूकोसा जोन, फ्रक्टोसा जोन, ओसा जोन ही होते हैं, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, थम्सअप। देखो ये ऐसे थम्सअप बहुत बढ़िया तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन शायद ऐसे ही बनेगा ऐसे।